never thought I'd feel like this. वीडियो के साथ एंड न्यू जगह में, जैसे कि आप लोग देख सकते हो हम लोग आ चुके हैं पार्क सर्कस में एंड तो आ गए हैं हम लोग आज कोहिनूर मोटर्स में। ये है एंट्रेंस, थोड़ा सा दिखा दीजिए। इस गली में जाके बाएं हाथ में आप लोगों को गिरेगी एग्जैक्ट ऑपोजिट टू होंडा शोरूम या फिर जिशान, अगर आप लोगों को पता है उसकी भी ऑपोजिट में है। इसके अलावा मैं आप लोगों को डिस्क्रिप्शन में विद गूगल मैप लिंक सारा कुछ आप लोगों को मिल जाएगी। तो इसी के साथ वीडियो को आगे बढ़ते हैं और देख लेते हैं क्या क्या कलेक्शन आप लोगों को मिल जाती है, किस प्राइसिंग रेंज में मिल जाती है। पर आप लोगों को क्या करना है, लाइक शेयर सब्सक्राइब कमेंट थोड़ा सा कर दीजिएगा एंड ऑब्वियसली अगर आप लोगों को कोई भी गाड़ी की डिमांड है एंड इस वीडियो में नई शो हुई है तो आप लोग जरूर कमेंट करके बताना, हम लोग लाने की जरूर कोशिश करेंगे। चलिए वीडियो में आगे बढ़ते हैं। तो आ जाते हैं इस वीडियो की पहली गाड़ी में। पहली गाड़ी मेरी पसंदीदा सिटी में, वो भी ब्लैक कलर में। एंड ये जो सिटी है ना, आप लोगों को इसमें लाइफ टाइम टैक्स पेड मिल जाती है। मतलब सिटी है उसके ऊपर से आप लोगों को लाइफ टाइम टैक्स मिल रही है, मतलब एकदम सोने पे सुहागा, क्योंकि सेडान गाड़ी की टैक्स बहुत ज्यादा होती है। एंड जो लोग वेस्ट बंगाल में रहते हो उन लोगों को पता है कि लाइफ टाइम टैक्स होना कितना बढ़िया बात है। तो आ जाते हैं इसकी डिटेल्स में। ये 2017 की है, IV10 PXMT वेरिएंट में है, पेट्रोल गाड़ी है एंड लाइफ टाइम टैक्स पेड है जैसे कि मैंने बताई। एंड ये गाड़ी चली हुई है 44,000 किलोमीटर एंड क्योंकि ये VXMT है तो इसमें आप लोगों को सारा फीचर्स मिल जाती है। फेसलिफ्ट मॉडल भी आप लोगों को मिल जाती है जैसे कि आप लोग देख सकते हो। फॉग लैम्प मिल जाती है, डायमंड कट अलॉय व्हील्स मिल जाती है। इंटीरियर में अगर आप लोग चलिएगा तो इंटीरियर में आप लोगों को सारा चीजें मिल जाती है, बढ़िया सा एंड्रॉइड डिस्प्ले आप लोगों को मिल जाती है। ऊपर में अगर आप लोग फोकस कीजिएगा तो आप लोगों को सनरूफ मिल जाती है, पुश बटन स्टार्ट स्टॉप मिल जाती है, एयरबैग मिल जाती है, क्लाइमेट कंट्रोल AC मिल जाती है, डिफॉगर मिल जाती है, रियर पार्किंग कैमरा मिल जाती है, सारा कुछ है, ABS तो मिल ही जाती है, सारा कुछ है। तो अभी आ जाएंगे फाइनली इसकी प्राइसिंग में। प्राइसिंग जो रखी गई है वो है 6,50,000 में आप लोगों को ये वाली सिटी लाइफ टाइम टैक्स पेड के साथ यहाँ से मिल जाएगी, वो भी एकदम ओरिजिनल पेड में है। तो आप लोग जरूर चेकआउट कीजिएगा एंड ऑब्वियसली अगर आप लोग हमारे चैनल का नाम बताते हो, ऑनरेबल बैठते हो तो ऑब्वियसली नेगोशिएबल हो जाएगी। तो चलिए जल्दी से नेक्स्ट गाड़ी में आगे बढ़ते। अब भी आ जाते हैं इको स्पोर्ट में। ये जो गाड़ी है बहुत ही कॉम्पैक्ट है, कॉम्पैक्ट SUV आप लोग कह सकते हो एंड बहुत ही अच्छी गाड़ी है। मतलब बंद हो गई है कंपनी पर फिर भी इसकी जो डिमांड है बहुत ही ज्यादा है। आ जाएंगे इसकी डिटेल्स में। 2016 की गाड़ी है, 2016 दिसंबर की गाड़ी है, ठीक है। जो टैक्स है 26 दिसंबर तक पेड किया हुआ है। ये टाइटेनियम क्लास है, मतलब टॉप मॉडल गाड़ी है एंड इसमें आप लोगों को मोटा मोटी सारा फीचर्स मिल जाते हैं जैसे कि फॉग लैम्प मिल जाती है, आप लोगों को अलॉय व्हील्स मिल जाती है विद गुड कंडीशन टायर्स एंड ग्रे मेटालिक कलर में है गाड़ी। इंटीरियर की तरफ चलेंगे तो आप लोगों को सारा कुछ देखने को मिल जाएगी, फ्रॉम पुश बटन स्टार्ट स्टॉप, एयर बैग्स एंड इंजन का। इस गाड़ी की जो इंजन की पावर है वो तो पहले वाली है ही नहीं। सीट कवर से आप लोग थोड़ा बहुत देख लीजिए, सीट कवर से कंडीशन भी आप लोगों को अच्छा ही मिल जाती है। आ जाएंगे फाइनली इसकी प्राइसिंग। जो प्राइसिंग कोटेड है वो है 4,75,000, ठीक है। 4,75,000 में आप लोग ये वाली गाड़ी यहाँ से मिल जाएगी या फिर एक और ऑप्शन है वो भी दिखाएंगे। चलिए फिर से आ जाते हैं एक और इको स्पोर्ट। ये वाली है व्हाइट कलर की इको स्पोर्ट, 2014 की है एंड ये भी टाइटेनियम क्लास वेरिएंट में है। दोनों की जो फ्यूल वेरिएंट है दोनों ही डीजल में आप लोगों को मिल रही है। ये गाड़ी भी टाइटेनियम क्लास है, मतलब टॉप मॉडल ये गाड़ी भी है। 2014 की है, मतलब जो टैक्स है 24 तक पे किया हुआ है। इसमें भी आप लोगों को सारा फीचर्स मिल जाते हैं जैसे कि अलॉय व्हील्स विद गुड कंडीशन टायर्स। इंटीरियर में भी सारा कुछ है, पुश बटन स्टार्ट स्टॉप मिल जाती है, अच्छा कंडीशन की सीट कवर्स मिल जाती है। तो अभी आ जाएंगे फाइनली इसकी प्राइसिंग में। प्राइसिंग जो कोटेड है वो है 4,55,000 में आप लोगों को ये वाली इकोस्पोर्ट मिल जा रही है, 2014 की, या फिर 2016 वाली इकोस्पोर्ट आप लोगों को मिल जा रही है 4,75,000 में। आप लोगों के हिसाब से आप लोग चेकआउट कर सकते हो, वैसे ऑन द टेबल नेगोशिएबल है। चलते हैं नेक्स्ट गाड़ी की तरफ। नेक्स्ट गाड़ी में आ जाता है, नेक्स्ट गाड़ी फिर से आप लोगों के सामने में एक हॉट सेलिंग प्रोडक्ट एंड बहुत ही अच्छी गाड़ी है, बहुत ही अच्छी माइलेज भी इसमें भी आप लोगों को मिल जाती है एंड ये गाड़ी पेट्रोल वेरिएंट में। आ जाते हैं फाइनली इसकी डिटेल्स में। 2003 की गाड़ी है, ठीक है।
ग्रैंड i10 2015 की गाड़ी 25 तक टैक्स पे की हुई है, गाड़ी चली हुई है 30,000 किलोमीटर अप्रोक्सीमेटली, वो आप लोगों को वेरीफाई कर लेना है। मैग्ना वेरिएंट में है गाड़ी एंड ये गाड़ी अभी चालू है, बहुत ही साउंडलेस, कंडीशन भी अच्छी है गाड़ी की, ठीक है। तो मैं बता दूं क्या क्या आप लोगों को मिल जाती है। अलॉय व्हील्स तो नहीं मिलती है, पर टायर्स की कंडीशन आप लोग देख लीजिए, टायर्स की कंडीशन बहुत ही अच्छी है। एंड इंटीरियर में आप लोगों को टच स्क्रीन इंफोटेनमेंट सिस्टम मिल जाती है, पावर स्टीयरिंग, पावर विंडोज तो है ही, एयरबैग भी मिल जाती है आप लोगों को। सीट कवर की कंडीशन भी आप लोग देख लीजिएगा, सीट कवर की कंडीशन भी मतलब मोटा मोटी ठीक ठाक ही मिल जाती है। आ जाएंगे फाइनल इसकी प्राइसिंग में, 2015 की ग्रैंड i10 है ये, ठीक है। प्राइसिंग यहाँ से कोटेड है वो है 2,85,000, 2,85,000 में आप लोगों को ये वाली ग्रैंड i10 यहाँ से मिल जाएगी, वो भी नेगोशिएबल ऑन द टेबल। तो प्लीज लाइक शेयर और सब्सक्राइब कर दीजिएगा, तो हम लोग तब तक तो अभी आप लोगों को कुछ देर पहले ग्रैंड i10 दिखाई दे उसकी छोटी वर्जन में आ जाता है, ठीक है। ये 2012 वाली i10 है, ओरिजिनल पेंट में है गाड़ी, 27 तक इसका टैक्स पेड किया हुआ है। एंड ये मैग्ना वेरिएंट में है, जो किलोमीटर्स ड्रिवन है वो आप लोगों को स्क्रीन पे देखने को मिल जाएगी। पेट्रोल गाड़ी है एंड कंडीशन आप लोगों के सामने में मिल जाती है। टायर्स देख लीजिए, टायर्स भी अच्छे कंडीशन में आप लोगों को मिल जाती है, ओवरऑल अच्छी है। इंटीरियर में चलेंगे, इंटीरियर में आप लोगों को पावर स्टीयरिंग, पावर विंडोज, आफ्टर मार्केट LED, बहुत ही बढ़िया सा डिस्प्ले लगी हुई है जो आप लोग देख सकते हो। एंड सीट कवर से कंडीशन ठीक ठाक आप लोगों को गाड़ी में मिल जाती है। प्राइसिंग रखी है 1,75,000 में आप लोगों को ये वाली गाड़ी यहाँ से मिल जाएगी। फिर से आ जाते हैं होंडा सिटी में, ये वाली होंडा सिटी VXMT सेम मॉडल है, 2014 की गाड़ी है, 24 तक इसका टैक्स पेड किया हुआ है, किलोमीटर्स ड्रिवन आप लोगों को स्क्रीन में देखने को मिल जाएगी। एंड इसमें भी आप लोगों को सारा फीचर्स मिल जाती है, जैसे कि अलॉय व्हील्स, पुश बटन स्टार्ट स्टॉप, सनरूफ, ABS, एयरबैग, डिफॉगर, सारा कुछ आप लोगों को इसमें मिल जाती है, क्लाइमेट कंट्रोल, AC भी, सारा कुछ मिल जाती है बेसिकली। तो आ जाएंगे फाइनली इसकी प्राइसिंग में, प्राइसिंग जो रखी गई है वो है 4,45,000, 2014 की होंडा सिटी जिसकी टैक्स है 24 तक पेड। एंड ये VXMT वेरिएंट में है एंड IDTech है, मतलब डीजल वेरिएंट में है, तो आप लोगों को बहुत ही अच्छा माइलेज मिल जाएगी। नेक्स्ट गाड़ी में चलते हैं। तो अभी आप लोगों के सामने में एक वेंटो है, आ जाते हैं डिटेल्स में, 2014 की गाड़ी है, टैक्स 24 तक पेड किया हुआ है, हाई लाइन वेरिएंट में है, डीजल वेरिएंट में है गाड़ी एंड आप लोगों को सारा फीचर्स मिल जाते हैं क्योंकि ये गाड़ी हाई लाइन है। प्राइसिंग जो रखी गई है वो है 2.5 लाख में आप लोगों को ये वाली वेंटो यहाँ से देखने को मतलब मिल जाएगी, ऑब्वियसली नेगोशिएबल ऑन द टेबल। नेक्स्ट आ जाते हैं ऑल्टो में, ऑल्टो में आ जाते हैं, आप लोग देख सकते हो न्यू शेप ऑल्टो 2016 की VXI वेरिएंट में है, 2026 तक इसका टैक्स पेड किया हुआ है। प्राइसिंग में पहले ही बता दूं, प्राइसिंग रखी गई है 1,99,000 में आप लोग ये वाली ऑल्टो एकदम ओरिजिनल पेंट में यहाँ से मिल जाएगी। एंड फीचर्स में की बात करें तो आप लोगों को पावर स्टीयरिंग मिल जाती है, फोटोज पावर विंडोज मिल जाती है, AC म्यूजिक सिस्टम मिल जाती है, बेसिक मिलती है। एंड जो टायर्स की कंडीशन वो भी आप लोग देख लीजिए, मोटा मोटी ठीक ही है। आ जाएंगे नेक्स्ट गाड़ी में, नेक्स्ट गाड़ी एकदम बढ़िया एक गाड़ी होने वाली है, किया की सेल्टोस टॉप मॉडल गाड़ी है। तो आ जाते हैं इसके डिटेल्स में, 2019 की गाड़ी है, मतलब 24 तक इसका भी टैक्स पेड किया हुआ है, चली हुई है गाड़ी 59,000 किलोमीटर्स। एंड क्योंकि ये टॉप मॉडल गाड़ी है तो आप लोगों को इसमें अलॉय व्हील्स मिल जाती है। इंटीरियर में चलोगे तो आप लोगों को वेंटिलेटेड सीट मिल जाती है, ऊपर में सनरूफ मिल जाती है, बढ़िया सा डिस्प्ले मिल जाती है, पावर स्टीयरिंग मिल जाती है, फोटोज पावर विंडोज मिल जाती है, क्लाइमेट कंट्रोल AC मिल जाती है, ऑटोमेटिक वेरिएंट गाड़ी है, पुश बटन स्टार्ट स्टॉप भी मिल जाती है, सारा कुछ है। आ जाएंगे फाइनली इसकी प्राइसिंग, HTX प्लस वेरिएंट में है गाड़ी, डीजल गाड़ी है, प्राइसिंग रखी गई 11,85,000 में आप लोगों को ये वाली एकदम न्यू सेल्टॉस यहाँ से मिल जाएगी, वो भी टॉप मॉडल, तो आप लोग जरूर से जरूर चेकआउट कीजिएगा। नेक्स्ट गाड़ी में चलते हैं। फिर से आ जाते हैं एक ऑल्टो में, इस बार ये वाली ऑल्टो 2013 की है, LXI वेरिएंट में है, पेट्रोल गाड़ी है एंड इसकी जो टैक्स है वो 23 तक था, मतलब फेल्ड है एंड चली हुई है 30,000 के आसपास, ठीक है। थोड़ा सा आप लोग टायर्स देख लीजिए, टायर्स की कंडीशन आप लोगों को मोटा मोटे मिल जाएगी। इंटीरियर में अगर आप लोग चलेगा वही सारा बेसिक फीचर्स मिलते हैं, जैसे कि पावर स्टीयरिंग, पावर विंडोज, AC, बस म्यूजिक सिस्टम, यही सारा मिलती है। तो आ जाएंगे फाइनली इसकी प्राइसिंग में, प्राइसिंग जो रखी गई है वो है 1,10,000 में आप लोगों को ये वाली ऑल्टो यहाँ से मिल जाएगी।
नेक्स्ट गाड़ी में आगे बढ़ते। तो अभी आ जाते हैं इंडियन लोगों की पसंदीदा गाड़ी, बहुत लोग इसे पसंद करते हैं क्योंकि इसकी माइलेज बहुत ही अच्छी है। आ जाएंगे इस पर्टिकुलर गाड़ी की डिटेल्स में। 2010 की गाड़ी है, मतलब 25 तक टैक्स पेड किया हुआ है, चली हुई है 40,000 अराउंड। आप लोग चेकआउट कर सकते हो जब आप लोग आइएगा। PXI वेरिएंट में है, पेट्रोल गाड़ी है। अगर आप लोग थोड़ा सा टायर्स देखोगे, टायर्स भी आप लोगों को ठीक ठाक कंडीशन में मिल जाती है। इंटीरियर में आप लोगों को पावर स्टीयरिंग, पावर विंडोज, जैसा वैगन आर का इंटीरियर है वैसा ही मिल जाती है। सीट कवर से कंडीशन भी आप लोग देख लीजिए, अच्छा खासा कंपनी फिटेड सीट कवर भी आप लोगों को मिल जाती है। आ जाएंगे इसकी प्राइसिंग में। प्राइसिंग जो रखी गई है वो है 1,49,000 में आप लोगों को ये वाली वैगन आर यहाँ से मिल जाएगी। एंड 2015 की गाड़ी से यहाँ से लोन स्टार्ट हो जाती है, तो आप लोग चेकआउट कर सकते हो। नेक्स्ट गाड़ी में चलते हैं। आ जाते हैं अभी एक पोलो में। आप लोग देख सकते हो हाई लाइन पोलो, एंड आप लोगों को ड्यूअल टोन कलर में मिल रही है। आप लोगों को ड्यूअल टोन कलर में मिल रही है ब्लैक टॉप विथ व्हाइट गाड़ी। आ जाते हैं इसके डिटेल्स में। 2011 की गाड़ी है, 2011 की पोलो TDI है, मतलब डीजल वेरिएंट में है। मतलब आप लोगों को बहुत ही अच्छा माइलेज मिल जाती है गाड़ी में। 26 तक इसका टैक्स पेड किया हुआ है। एंड अगर आप लोग टायर्स देखिएगा तो आप लोगों को अलॉय व्हील्स मिल जाती है क्योंकि ये हाई लाइन पोलो है, एंड ब्लैक आउट अलॉय आप लोगों को मिल रही है। इंटीरियर की तरफ चलिएगा तो इंटीरियर में आप लोगों को वही सारा बेसिक फीचर्स मिलती है, पावर स्टीयरिंग, पावर विंडोज, AC, म्यूजिक सिस्टम बस, एंड एयरबैग आप लोगों को इस गाड़ी में मिल जाते हैं क्योंकि हाई लाइन है। आ जाएंगे फाइनली इसकी प्राइसिंग में। प्राइसिंग जो रखी गई है वो है 1,75,000, विच इज अगेन नेगोशिएबल ऑन द टेबल, ठीक है। आप लोग जरूर चेकआउट कीजिएगा। नेक्स्ट गाड़ी में आगे बढ़े। तो अभी आ जाते हैं थोड़ी सी बड़ी गाड़ी में। 7-सीटर गाड़ी होने वाली है, रेनॉल्ट लॉजी। 2017 की रेनॉल्ट लॉजी है, 27 तक इसका मतलब उसका टैक्स पेड किया हुआ है। चली हुई है कितना वो आप लोगों को स्क्रीन में देखने को मिल जाती है। रेड कलर की गाड़ी है, एंड आप लोग लुक्स वगैरह देख सकते हो। ओरिजिनल पेंट भी आप लोगों को गाड़ी मिल जाती है। आ जाएंगे इसकी प्राइसिंग में। वैसे मैं बता रही हूं RXT वेरिएंट में है, डीजल गाड़ी है। प्राइसिंग जो रखी गई है वो है 3,35,000 में आप लोगों को ये वाली गाड़ी मिल जाती है। सीट कवर की कंडीशन आप लोग देख सकते हो, अच्छा खासा सीट कवर आप लोगों को मिल जाती है, पावर स्टीयरिंग मिल जाती है, म्यूजिक सिस्टम, AC मिल जाती है, एंड एयरबैग मिल जाती है, एंड आप लोगों को अलॉय व्हील्स भी मिल जाती है जैसे कि आप लोग देख सकते हो। तो ऑब्वियसली चेकआउट कर सकते हो अपने हिसाब से। एक और लॉजी है वो भी दिखाएंगे। नेक्स्ट लाइन में आगे बढ़ते। तो अभी आ जाते एकदम न्यू गाड़ी, ये है रेनॉल्ट क्विड, ठीक है। 2021 की गाड़ी है, मतलब इसकी जो टैक्स है वो 26 तक आप लोगों को पेड की हुई मिल जाती है। चली हुई है ओनली 8,000 किलोमीटर्स, एंड ये गाड़ी ओरिजिनल पेंट में है। सब कुछ बहुत ही अच्छी है, आप लोग देख सकते हो। न्यू शेप जो है ना अभी मार्केट में, वही वाली शेप आप लोगों को यहाँ से मिल रही है। एकदम गुड कंडीशन, एकदम न्यू कंडीशन टायर्स मिल जाती है, वो भी अपोलो की। आ जाएंगे फाइनली प्राइसिंग में, पर उससे पहले मैं बता दूँ इंटीरियर में आप लोगों को क्या कुछ मिल जाती है। पावर स्टीयरिंग मिल जाती है, म्यूजिक सिस्टम, AC, सारा कुछ चीजें मिल जाती है, एंड्रॉयड सिस्टम भी मिल जाती है। आ जाएंगे प्राइसिंग में। प्राइसिंग जो रखी गई है वो है 4,10,000। 4,10,000 में आप लोगों को ये वाली क्विड, रेनॉल्ट क्विड यहाँ से मिल जाएगी। अच्छा, RXT वेरिएंट में है, एंड पेट्रोल गाड़ी है ऑब्वियसली। चलते हैं नेक्स्ट गाड़ी की। तो आ जाते हैं इस वीडियो की लास्ट गाड़ी में। लास्ट गाड़ी फिर से एक लॉजी आप लोगों को दिखाने वाले हैं। ये है ब्लू कलर की लॉजी, कंडीशन ठीक ठाक ही है। 2015 की गाड़ी है, ठीक है, 2015 की है, 25 तक टैक्स पेड किया हुआ है। RXL वेरिएंट में है। अब थोड़ा सा टायर्स चेक कर लीजिए, टायर्स की कंडीशन भी आप लोगों को ठीक ठाक मिल जाएगी, एंड कंडीशन इंटैक्ट है, सारा कुछ आप लोगों को मोटा मोटी मिल जाती है। आ जाएंगे फाइनली इसकी प्राइसिंग में। प्राइसिंग जो रखी गई है वो है 2,35,000। 2,35,000 में आप लोगों को ये बड़ी सी 7-सीटर गाड़ी मिल रही है, तो आप लोग जरूर चेकआउट कीजिएगा। तो इसी के साथ आज की वीडियो को ये इतना ही तक रखते हैं। अगर वीडियो अच्छा लगे तो आप लोगों को बताया क्या करना है, लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कर दीजिएगा। बहुत ही धूप में वीडियो बनाया आप लोगों के लिए, प्लीज़ लाइक और एक छोटा सा प्यार सा कमेंट भी कर दीजिएगा। तो आ जाते हैं कुछ इंपॉर्टेंट डिटेल्स में। अगर आप लोग यहाँ से गाड़ी लेते हो 2015 से, मतलब आप लोगों को लोन वगैरह हो जाएगी, एंड यहाँ पे भी ऑल इंडिया लोन हो जाती है, यहाँ से भी ऑल इंडिया फाइनेंस हो जाती है, एंड इंजन एंड गियर बॉक्स के ऊपर 1 ईयर की वारंटी यहाँ से भी रहती है। तो आप लोग चेकआउट कर सकते हो, NOC वगैरह मिल जाएगी, सारा कुछ हो जाएगा। ऑब्वियसली अगर आप लोग यहाँ से गाड़ी खरीदते हो, आप लोग जरूर कमेंट बॉक्स में एक्सपीरियंस शेयर कीजिएगा। तो इसी के साथ आज की वीडियो को इतना ही तक रखते हैं, मिलते हैं जल्दी ही नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन टाटा।